हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स एक बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही अट्रैक्टिव सी डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और इस डिज़ाइन को किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ जेंट्स बच्चों के सभी में ये डिज़ाइन को डाला जा सकता है। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, एक ही बार में अपनी तरफ खींच लेने वाली डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन पुलोवर जैकेट शर्ट और सभी में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, गर्ल्स टॉप में भी इसको डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर में पुलोवर में सभी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन थ्रेड से भी बुनी जा सकती है, थ्रेड से इसका गर्ल्स टॉप बनाया जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। और इसका इस डिज़ाइन को मैट वगैरह भी बना सकते हैं, सेंटर टेबल की मैट बना लें या फिर थ्रेड से बुनाई करके मैट्स का सेट तैयार किया जा सकता है, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसको चौकोर स्क्वायर में बनाएं तो डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही अच्छा तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत भी दिखेगा। कुशन कवर में भी थ्रेड से बुनाई करके कुशन कवर बना सकते हैं, फ्रंट पोर्शन बना लें तो ये देखिए ये बैक साइड से इस तरह से है और ये फ्रंट पोर्शन तो ये है ही। तो चलिए बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 16 फंदों में डिज़ाइन बनती है कंप्लीट और 14 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाती है। तो 16 फंदे हमें जितना जो भी कुछ बनाना है तो 16-16 के मल्टीपल से हम डिज़ाइन फंदे डालेंगे और डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये मैंने 3 डिज़ाइन बनाई हुई है तो 16-16-16 और 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो 16+16+16 और +6 फंदे, 16 के मल्टीपल से 3 फंदे में के लिए मैंने बनाए हैं। और अब मैं डिज़ाइन जो बनाऊंगी वो सिर्फ एक 16 फंदे की डिज़ाइन बनाऊंगी और 6 फंदे एक्स्ट्रा मैंने डाले हुए हैं। 2 फंदे एज फंदे के लिए हैं और 4 फंदे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ये लीफ बनी हुई है तो ये देखिए ये लीफ में ये 4-4 फंदे की लीफ को इसको है और ये एक सेंटर में एक फंदा है, इसी के किनारे जाली बनी हुई है तो यही हम बनाएंगे। तो लीफ के लिए 4-4 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। ये केबल की डिज़ाइन है और केबल प्लस ओपन वर्क, तो इसको 4 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे तो उसमें पीछे के फंदे को हम आगे लाएंगे 2 फंदों को और 2 फंदे आगे के फंदे पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने 4 फंदे ट्विस्ट कर लिए। अब एक फंदा, ये 9 फंदे की लीफ है तो उसके आगे एक जाली, फिर एक सीधा, फिर एक जाली। तो जाली देखिए हम इस तरह के बजाय इसको टर्न कर देंगे इस तरह से टर्न कर देंगे क्योंकि हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। तो 2 फंदे हम पीछे के आगे लाएंगे और आगे के फंदे को सामने की तरफ से पीछे ले जाएंगे। ये हमें हर सिलाई पे 14 सिलाई बनाएंगे तो हम हर सीधी सिलाई पे इसे अप्लाई करेंगे। इन फंदों को 4-4 फंदों को दोनों तरफ के राइट और लेफ्ट के ट्विस्ट करने का हमें हर सीधी सिलाई में करना है। तो इस तरह से ये हमारे 2 फंदे जाली से बढ़ गए और ये हमारे 9 फंदे थे और 11 फंदे हो गए। अब बीच के हमें 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। यही हमारे ये 14 फंदे हैं, इसी की डिज़ाइन है और लास्ट में 4 फंदे हमें हाफ केबल की डिज़ाइन हो रही है और जो हमें ट्विस्ट करना है जो हमने इस तरह बनाई थी। तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन इतनी कंप्लीट होगी। ये कंप्लीट डिज़ाइन है, एक लीफ है और साथ में ये लीफ है और साथ में जो ये बीच का पोर्शन है। तो ये मैंने 3 डिज़ाइन बनाई हुई है, ये साइड में मैंने 4 फंदों को ट्विस्ट किया है बस, और पूरी कंप्लीट डिज़ाइन नहीं बनाई है क्योंकि इसमें फिर फंदे घटने बढ़ने की प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इस तरह से ये
डिज़ाइन बनाई है। तो ये चार फंदे को हम फिर से ट्विस्ट करेंगे, पीछे के फंदे को जो हमने शुरू में बनाया सेम तरीके से बनाएंगे। ये दूसरी लीफ की, दूसरे पैटर्न की हाफ लीफ की डिज़ाइन है, तो इसको पीछे के फंदे को हम सामने की तरफ से आगे लाएंगे और आगे के फंदों को हम पीछे ले जाएंगे और इन चारों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। एक फंदा एच स्टिच का है तो इसे उल्टा या सीधा कुछ भी बुन लें। तो अब ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और सेकंड रो हमारी उल्टी है, तो उल्टे पे हमें उल्टा बुनना है और सीधे पे सीधा बुनना है। तो ये हमारा एक फंदा स्लिप किया, चार फंदे उल्टे, चार फंदे उल्टे हो जाएंगे, फिर सात फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। जो हमने उल्टे बुने थे वो उल्टी साइड में हमें सीधे हो जाएंगे। फिर जो हमने पहले जो लीफ बनाई थी वो पोर्शन जब हमारा उल्टा, वो उल्टा उल्टा रहेगा तो वो हमारी टोटल 11 फंदे हैं जो उल्टे बुने जाएंगे। दो फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, इसको आगे चल के हम इसको घटा के बैलेंस करेंगे। तो ये हमारी दो सिलाइयाँ इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हो गई दो सिलाई। अब थर्ड रो पे हैं, तीसरी दो रो देखिए ये कैसे बनेगी। इसमें हमें जो फंदे ट्विस्ट होने हैं वो सेम उसी तरह से हर बार ट्विस्ट करना है। पीछे के फंदे आगे लाएंगे, आगे के फंदे पीछे ले जाएंगे। राइट साइड में जैसे बनाया है वैसे बनेगा और लेफ्ट साइड में जैसे बनाया है वैसे बनेगा। तो ये हमें चार फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। दो फंदे पीछे के पहले बुनेंगे सीधे और फिर आगे के दो फंदे को बाद में सीधा बुन लेंगे। ये थोड़े फंदे बार बार ट्विस्ट होने से टाइट हैं। तो अब इसके बाद एक फंदा सीधा जाली से, जो सीधा एक फंदा बढ़ा था वो सीधा बुन लिया और उसके बगल में हमें एक फंदा जाली बनाते हुए एक सीधा बुन लेना है और फिर जाली बनाते हुए सीधा बुन लेना है। हमें यहाँ पे ये पत्ती की डिज़ाइन बनानी है जिसमें जाली पड़ी हुई है। फिर हम चार फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे। तो हमारे ये इस तरह से दो फंदे और बढ़ गए, 11 फंदे थे, अब हमारे 13 फंदे हो गए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस सिलाई से हमें फंदों को बैलेंस करने के लिए दो दो फंदे घटाने हैं। तो इसके लिए हमें साइड में दो फंदे का एक फंदा कर देना है। जो हमारे सात फंदे थे, क्योंकि हमारे फंदे अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इनको बैलेंस भी करना होगा। तो अब बीच में दो का एक किया और बीच में तीन और फिर ये दो का एक कर लेंगे। तो ये हमारे टोटल 5 फंदे बचेंगे। दो फंदे का एक फंदा करके घटाने से 5 फंदे बच जाएंगे। फिर उसके बाद साइड के फंदों को हम फिर से ट्विस्ट करेंगे राइट साइड की तरफ। राइट साइड के दो फंदे राइट साइड में पीछे के पहले लाएंगे और आगे के फंदे को पीछे ले जाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो है। फोर्थ रो में हमें फंदा एज स्टिच बुन लिया। तो अब ये हमारे तीसरी सिलाई हो गई और चौथी सिलाई में हमें जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बुनना है, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। तो ये फंदा स्लिप करेंगे, चार फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर बीच के 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, तो ये 5 फंदे सीधे। अब ये हमारे 13 फंदे हैं जो उल्टे बुने जाएंगे। तो इस सिलाई में हमने दो फंदे बढ़ाए हैं, दो फंदे घटाए हैं
और फर्स्ट रो में हमने दो फंदे बढ़ाए थे, घटाए नहीं थे, वो आगे चल के हम घटा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी चार सलाइयाँ हो गई। अब हम पांचवी रो पे हैं, तो फिफ्थ रो में पहले हमें चार फंदों को फंदा स्लिप करने के बाद फोर फंदों को सेम हमें ट्विस्ट करना है राइट साइड की तरफ। इसे हर बार बनाना है। तो ये देखिए, ये हमने इसको चार फंदों को, पीछे के फंदे को हम पहले आगे बुन लेंगे, आगे आगे की तरफ से आगे ला के फिर पीछे के फंदे को पीछे बुन लेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास ये दो फंदे यहाँ पे सीधे सीधे हो गए, जाली से जो बढ़े हैं ये दो फंदे बढ़ गए हैं। उसके बाद फिर एक जाली बनाते हुए एक सीधा बुन लेंगे, फिर हम जाली बनाते हुए सीधा बुन लेंगे दो फंदे, और फिर चार फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे टोटल 15 फंदे हो गए। तो पीछे के फंदे को पहले आगे से आगे ला के पहले बुनेंगे और आगे के फंदे को पीछे ले जाएंगे। ये लेफ्ट साइड को ट्विस्ट होगा फंदा। तो इस तरह से ये लीफ हमारी शेप में आ गई है और ये हमारे फंदे हो गए हैं, ये 15 फंदे हो गए हैं टोटल। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हमें इधर के फंदे के साइड को दो दो फंदे दोनों तरफ घटाने हैं। तो हमारा दो का एक किया, फिर बीच में एक बचा, फिर दो का एक किया, तो ये हमारे अब 3 फंदे बचे। दो फंदे हमने बढ़ाए तो दो फंदे हमने यहाँ घटा भी दिए, और ये चार फंदे एज इट इज़ ही रहेंगे। इनको बस ट्विस्ट कर देना है राइट साइड की तरफ और एक एज स्टिच बुन लेना है। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। सिक्स रो हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा की रहेगी। तो इस सिलाई में हमें जो जैसे दिख रहा है वैसे बना लेंगे। तो फंदा स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर बीच में 15 फंदे, फिर बाद में लास्ट के 15 फंदे उल्टे बुन लेंगे। और एक एच फंदा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी 6 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई और हमारी 3 जाली बीच में लीफ में के बीच में 3 जाली बन गई है लाइन से। अब हमें इस सिलाई में अब कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस साइड। अब सबसे पहले फंदा स्लिप करेंगे और चार फंदों को हम इस तरह से राइट साइड में ट्विस्ट कर लेंगे। पीछे के फंदे को आगे से लाते हुए आगे पहले बुन लेंगे, फिर आगे के फंदों को पीछे से बुन लेंगे और सब सीधा ही बुनेंगे। जैसे हमने फर्स्ट सिलाई में बनाया है उसे हमें लास्ट तक वही है, तो हमें बार बार अप्लाई करना है। अब ये देखिए, ये हमारे बीच में ये 7 फंदे हैं सीधे, इनको हमें 7 फंदे सीधे बुन लेने हैं। इस बार देखिए, हमें इस सिलाई यहाँ पे इस लीफ के बीच में कुछ भी नहीं घटाना है और 7 के ये 7 फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये 7 फंदे हैं बीच में और 4 फंदे ट्विस्ट होने हैं दोनों साइड, 4 फंदे। तो इसको हमें इस सिलाई में 7वीं रो में, हमें 7th रो में हमें इसी तरह से करना है कि उसमें बीच के 7 फंदे बुन लेने हैं और साइड के 4 फंदे दोनों तरफ के ट्विस्ट कर लेने हैं, जैसे हम हर बार बनाते आए हैं। अब ये देखिए, जो हमने पहली सिलाई में यहाँ बीच में फंदे बढ़ाए थे दो फंदे, उसको हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे 3 फंदे का एक फंदा करके। जो हमने फर्स्ट रो में हमने बीच में जाली बनाई थी लीफ के बीच में, बीच से दो फंदे बढ़ाए थे, तो यहाँ पे हमने 3 फंदे का उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर दिया।
और यहाँ पे ये हमें केबल जैसे हर बार बनाते हैं वो उसको इस बार भी बना लेंगे। पीछे के फंदे को आगे लाएंगे, आगे के फंदे को पीछे ले जाएंगे और सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी सातवीं रो कंप्लीट हो गई। एट्थ रो हमारी पूरी उल्टी रहेगी, ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी रहेगी। तो इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए, ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। हम 9th रो पे हैं। अब हमारी यहाँ की इस तरह से जैसे ये फंदे हमें अब धीरे धीरे बढ़ा के यहाँ से हमें 7 फंदे बढ़ाने हैं और ये इसको इस तरह से पत्ती का शेप देना है नुकीला सा, और इधर घटाने हैं फंदे, इधर बढ़ाने हैं। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ से फंदे, इसके 4 फंदे तो हमें सबसे पहले ट्विस्ट कर लेने हैं हर बार की तरह। पीछे के फंदे दोनों आगे लाएंगे, आगे के फंदे पीछे ले जाएंगे। तो ये तो हमें हर बार करना है हर सीधी सिलाई में। इसको ट्विस्ट करने के बाद फिर बीच के जो हमारे 7 फंदे हैं इनको हमें घटाना है, और 7 फंदों को घटा के हम 5 फंदे कर देंगे। तो अब ये देखिए, अब ये हमारे 7 फंदे जो है इसमें इन 2 फंदों को इस तरह से सिलाई पे से उतार के बैक लूप से इनको बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। बैक लूप से इसलिए करेंगे ताकि इसका शेप अच्छा आए। फिर 1, 2 और 1, 3 फंदे बुन लेंगे, फिर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, ये 4, ये 1, ये 3 फंदे बीच में बुनेंगे तो ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। फिर अब 2 का सामने से 2 का 1 कर लेंगे तो ये हमारे 5 फंदे बीच के बचे 7 फंदे से, और इन 4 फंदों को हमें, ये 5 बचे और 4 फंदों को हमें ट्विस्ट कर लेना है, पीछे के फंदे आगे, आगे के फंदे। तो इस तरह से ये हम फंदे जब दोनों साइड में घटाएंगे तो इसका पत्ती का शेप आने लगेगा। और साइड में जो हमने फंदे घटा के 1 कर दिए हैं, अब हमें धीरे धीरे इन्हें बढ़ा के 7 फंदे कर देने हैं, तो यहाँ पे भी शेप इसका चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल शेप आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लपेट के 1 फंदा बढ़ा देंगे, फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस तरह से उल्टे लपेट के फिर इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से लपेटेंगे और इन 2 फंदों को, 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, 2 फंदों को पीछे से आगे लाएंगे, आगे के फंदों को पीछे ले जाते हुए बुनाई करेंगे सीधा सीधा। तो इस तरह से दोनों साइड में 1-1 फंदे जब बढ़ाएंगे तो ये ट्रायंगल शेप आ जाएगा, और इनको कंप्लीट 7 फंदे कर देने हैं। ये हमारी 9th रो है। अभी 9 सिलाइयाँ हमारी हो गई, और 10वीं सिलाई में हमें जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बुनना है, उल्टे पे उल्टा तो सीधे पे सीधा। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई भी बुन लेते हैं। तो फंदा स्लिप करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे साइड केबल के, ये साइड केबल के 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर बीच में 2 फंदे हमने, ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं तो इनको सीधा बुन लेना है, ये 3 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। फिर बाकी सारे फंदे हमें 5 फंदे और 4-4 फंदे केबल के, ये सारे हमें उल्टे बुन लेने हैं।
फिर साइड का एक फंदा एज स्टिच। तो ये हमारी सिलाई इस तरह से 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे टोटल 13 फंदे की लीफ है इस सिलाई में, ये पूरी हो गई। अब तो फंदे और घटाएंगे तो हमारे 11 फंदे हो जाएंगे। तो पहले की साइड के की केबल जो है वो हम उसी तरह बुनेंगे हर बार की तरह, चारों फंदों को ट्विस्ट करते हुए। अब ये देखिए, ये हमारे बीच के जो 5 फंदे हैं, अब हमें इन्हें बैक लूप से सिलाई पे इस तरह से उतार के बैक लूप से 2 का 1 कर देना है, फिर बीच में एक फंदा सीधा बुनना है, फिर इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे टोटल बचेंगे 3 फंदे बीच में और साइड के 8 फंदे। तो ये हमारे फंदे इस तरह से घट जाएंगे। ये हमारे टोटल 11 फंदे हुए। और अब साइड में ये ट्रायंगल शेप में यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे, तो इसके लिए हम फंदे को लपेटेंगे और एक जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदे को इस तरह से लपेट के यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे फंदों को। तो ये हमारे फंदे 5 फंदे हो गए। तो ये हमारी 11वीं सिलाई है। 12वीं सिलाई में हमें जो जैसे दिख रहा है उसी तरह बुन लेना है। फंदा स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ये 5 फंदे बीच के सीधे बुनेंगे, जो जाली दो साइड दोनों तरफ बनी है वो मिला के 5 फंदे हो गए। तो इस तरह से 5 फंदे सीधे बुन लिए और बीच के फंदे हम ये 11 फंदे हमारे उल्टे हो गए। तो ये हमारी 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। एक एज स्टिच, ये 12 सिलाइयों की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। 2 सिलाई और बुन लेंगे तो हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न। तो अब देखिए, हमारे अब बीच के ये 3 फंदों का 1 फंदा करना है और 2 फंदे हमें साइड में ट्रायंगल के पढ़ा देंगे तो 7 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए, हर बार की तरह के साइड केबल हमें ट्विस्ट करके बना लेनी है। पीछे के फंदे को आगे लाएंगे और पहले बुनेंगे। अब ये देखिए, ये 3 फंदों को हम 3 फंदे का 1 फंदा ऐसे करेंगे कि बीच का फंदे को हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से। तीनों फंदों को कर लेंगे एक सिलाई पे भी और फिर इसको थोड़ा ढीला करके 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। इस तरह से करने से ये देखिए, ये बीच का फंदा सीधा सजा रहा है, सेंटर में आ रहा है। फिर इसके बाद इन 4 फंदों की केबल बना लेंगे ट्विस्ट करते हुए। ये हमारी 13th रो है। फिर हमें फिर से लपेट के जाली बनाते हुए 2 फंदे
सॉरी 5 फंदे उल्टे बुन लेने हैं और फिर जाली बनाते हुए 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये 7 फंदे हो जाएंगे। अभी हमारा उल्टी सिलाई और बुन लेंगे तो ये हमारा टोटल 14th रो का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए उल्टी सिलाई में ये हमारे फंदा स्लिप करेंगे और फिर 4 फंदे उल्टे, फिर ये बीच के 7 फंदे सीधे, अब ये हमारे फंदे टोटल जितने फंदे थे 9 फंदे वो 9 फंदे पूरे आ गए और ये 9 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो जब हमने पैटर्न स्टार्ट किया था तो हमारे इसी पे हमने डिज़ाइन बनानी शुरू की थी, हम उसी पे आ गए हैं। तो इस तरह से ये हमारी 14 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमारा नया पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, 1st रो से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब ये मैं पहली रो बना के दिखा देती हूँ, 1st रो कैसे बनाएंगे। फंदा स्लिप करेंगे तो हर बार की तरह 4 फंदे की केबल बनाएंगे ट्विस्ट करते हुए। अब ये देखिए ये हमारा बीच का एक फंदा जो सेंटर का बचा है उसके दोनों तरफ एक एक जाली बनाएंगे फिर सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाते हुए 4 फंदों को ट्विस्ट कर देंगे। यही हमने 1st रो में किया था। अब ये 7 फंदे जो हमने 7 फंदे सारे कंप्लीट बढ़ाए हैं, इन 7 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर हम यहाँ के साइड के केबल को फंदे घुमा के बना लेंगे, पीछे के फंदे को आगे, आगे के फंदे के पीछे, और बाकी की सिलाइयाँ इसी तरह से जैसे हमने 1st रो से 14th रो तक बनाई थी उसी तरह बनाएंगे। मतलब 2nd रो से उल्टी साइड से, 1st रो तो मैंने बना दी, 2nd रो में जैसे हमने बनाया था सेम उसी तरह से उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ती चली जाएगी और ये लीफ इस तरह से बन के तैयार होगी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस डिज़ाइन का बना हुआ स्वेटर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसे फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, देखें कैसा स्वेटर बन के तैयार होगा। ये केबल प्लस ओपन वर्क दोनों ही है इसमें, तो इसलिए कुछ अलग सी बड़ी स्पेशल सी डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ मिलूँगी। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें और मेरे चैनल पे रेगुलर विज़िट करते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत।